दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचर इन थर्ड फ्लोर में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये अलमंडा फ्लावर के उसमें है। अलमंडा फ्लावर जो है ये गर्मियों में और बरसात में अच्छी फ्लावरिंग देता है। अगर आप इसकी केयर अच्छे से करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप मेरे चैनल में पहले से हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें अलमंडा के कई वीडियो बनाए हैं। उसमें जो मेरे अलमंडा की फ्लावर्स हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छी मात्रा में खिले हैं। उसकी केयर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है कि जो है आप गर्मी भर इसमें अच्छे फ्लावर ले सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये मेरे अलमंडा का प्लांट जो है इसको करीब 3 साल हो गए हैं। इसको मैं नर्सरी से लाया था जब ये छोटा पौधा था। उसके बाद मैंने इसको देखिए ये 12 इंच के पॉट में लगाया है। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाते हैं, 12 इंच से अगर ऊपर पॉट में लगाते हैं तो ये और अच्छी फ्लावरिंग देगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 12 इंच का पॉट तो होना ही चाहिए। और पॉट ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा चौड़ा हो, चौड़ा भी होना चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं फैलती हैं चारों तरफ। ये देखिए जैसे इसमें ये जड़ें देखिए ये पूरी आई हुई हैं इधर को, ये जड़ें जो हैं पूरी चारों तरफ फैलती हैं और गहरा 12 इंच होना ही चाहिए जिससे इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं आप। ये देखिए इसमें नई नई ग्रोथ आ रही है, देखिए क्योंकि इसका अभी बढ़ने का टाइम है, इसका ग्रो होने का टाइम है। ये इसमें नई नई ग्रोथ आने लग गई है और ज़्यादातर इसमें प्लांट ये सूख चुका है, पुराने जो ये पत्ते हैं ये देखिए सूख चुके हैं बिल्कुल और नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए जो नई ग्रोथ आ रही है इसको जो है और अधिक अच्छे होने के लिए इसमें सबसे पहले इसको देखिए ये रिपोर्टिंग लैग हो गया है पौधा। इसको सबसे पहले हम जो है रिपोर्टिंग करेंगे इसकी, उसके बाद इसमें जो करना है वो मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग, इस पौधे को पूरा जो है इसको पूरा निकाल के देखते हैं इसमें कितनी जड़ें फैली हुई हैं। आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है पानी, पहले दिन जो है पानी इसमें भर दीजिए, क्योंकि अगर पानी इसमें रहेगा तो ये पौधे को स्ट्रेस में नहीं आएगा निकालने में। और अगर ये सूखा रहेगा तो ये पौधा जो है अगर आप इसको जैसे इस तरीके से निकालेंगे तो ये जो है पौधा सूखी मिट्टी में होगा तो नहीं निकल पाएगा और पौधे को जो है नुकसान पहुंच सकता है, नीचे से जड़ इसकी टूट सकती है। इसलिए इसको पहले दिन जो है पानी से भिगा दीजिए, अच्छे से फुल वाटरिंग कर दीजिए इसमें, उसके बाद पौधे को पूरा निकाल लीजिए जड़ सहित। अगर आपने पहले दिन अगर इसमें वाटरिंग करी है एक दिन के लिए 12 घंटे करीब इसको पानी में छोड़ रखा तो ये देखिए इस तरीके से निकल जाएगा। और ये देखिए इसमें देखिए जड़ें कितनी बिल्कुल बच चुकी हैं बिल्कुल। ये पौधा अब जो है ग्रोइंग टाइम है इसका, अगर हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते तो ये जो पौधे में फ्लावरिंग अच्छी नहीं ले पाते। इसलिए सबसे पहले इसकी जो है ये मिट्टी जितनी साइड की जड़ें हैं सब निकाल देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, आप इसकी साइड की जड़ें इस तरीके से आप पूरी निकाल दीजिए मिट्टी सहित। कोई बात नहीं है, जड़ों को नुकसान नहीं होता है, नई जड़ें बन जाएंगी। अगर आप इसमें अच्छी खाद वगैरह देंगे तो नई जड़ें बन जाएंगी जिससे कि पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेगा। ये पूरी मिट्टी सहित निकाल दीजिए, जड़ों को खुला छोड़ दीजिए बिल्कुल इस तरीके से। देखिए इसकी आप अगर रूटें ज़्यादा आप फैल चुकी हैं तो इसके आप रूट भी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग मतलब आप रूटें हल्की हल्की निकाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड की जो रूटें हैं ये निकल भी जाएंगी इस तरीके से। देखिए जैसे निकल गई है तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये रूट फिर से दोबारा डेवलप हो जाती हैं। इसको आप इस तरीके से निकाल दीजिए पूरा मिट्टी। ये मैंने पानी डाला था उसकी वजह से देखिए अच्छे से निकल गया। अगर आप पानी नहीं डालेंगे पहले दिन तो ये जो रूट जो हैं ये बाहर नहीं निकल पाएंगी और रूट टूट सकती हैं। अगर पानी होगा तो इसमें जो रूट को मॉइस्चर बना रहेगा रूटों में और अच्छे से इसमें ग्रो होगा। ये देखिए इस तरीके से आप पूरा निकाल दीजिए दोस्तों। ये जो अलमंडा का प्लांट है या कोई भी प्लांट है, आप उसके अगर रूट प्रूनिंग करने के बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें एक ख़ास बात है जो ध्यान देने योग्य है, जो इसमें जो है अगर क्योंकि इसमें जो है फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि ये देखिए रूट जो है बाहर आई हुई हैं। अगर इसको हम मिट्टी में लगा रहे हैं दोबारा दूसरी मिट्टी में तो अगर वो गीला रह गया तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। इसको बचाने के लिए हम इसमें जो है जो मिट्टी इसकी तैयार करेंगे उसमें सबसे पहले हम नीम खली ज़रूर मिलाएंगे। नीम खली से क्या होता है जो फंगस नहीं लगता है। नीम खली आपको कहीं भी जो है बीज वाली दुकान पे मिल जाएगी। आप थोड़ी मात्रा में नीम खली मिलाइए, देखिए इतनी मात्रा में जो इसकी मिट्टी तैयार करेंगे उसमें जो है नीम खली मिला देंगे। जो मैं जो ये पुरानी मिट्टी है देखिए, ये जो पुरानी मिट्टी इसमें जड़ें हल्की हल्की हैं
जो ज़्यादा बड़ी जड़ें हैं उनको निकाल के ये इसी में नीम खली मिला सकते हैं और इसी को दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मिट्टी चाहिए, पोरस मिट्टी चाहिए बिल्कुल, जिसमें पानी रुके ना। तो इस मिट्टी को बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है, जो ये पुरानी मिट्टी है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में आप ये देखिए, ये धान का भूसा है, देखिए जो धान होती है उसका, जो आपको ये भी कहीं चक्की या मिल इल वगैरह जो धान मिल होती हैं वहाँ मिल जाएगा, इसको मिला दीजिए। इससे क्या है, मिट्टी जो है पोरस बनती है और ये बहुत सस्ती मिट्टी बनती है। ये अगर आपको जो पोटिंग मिक्स बनाने का तरीका देखना है तो आप मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप अपने जो कोई भी प्लांट के लिए, सब्जियों के लिए, फूलों के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं वो उस तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके जो फूल वगैरह हैं गर्मियों में भी अच्छे चलेंगे। और जाड़ों में तो अच्छे चलते ही हैं, गर्मियों में भी अच्छे चलेंगे, क्योंकि उसमें जो है पानी, ये जो धान की पराल है इसमें जो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि आपके गर्मियों में फूलों में जो है मॉइस्चर बना रहेगा, उनकी जड़ों में मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि आपके प्लांट जो है अच्छे चलेंगे। तो आगे मैं बताता हूँ आपको, इसमें थोड़ी सी धान की पराल मिला दीजिए। इसमें जो रहेगा रेशियो, जो मिट्टी का जो है 50% मिट्टी होनी चाहिए और जो है 20% जो धान की पराल होनी चाहिए, और इस बाकी जितना परसेंटेज बचा वो आप इसमें देखिए जो है गोबर की खाद मिला दीजिए। इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं पौधे को, ये गोबर की खाद मिला देंगे आप, क्योंकि गोबर की खाद में ये होता है नेचुरल NPK, इसमें सभी प्रकार के जितने विटामिन और कैल्शियम और प्रोटीन पौधों के लिए होते हैं वो सब मिल जाते हैं, इसलिए गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए। और अगर आपकी जैसे रूट हम इसमें डेवलप होंगी नहीं, उनको जल्दी डेवलप करने के लिए आप इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, वो है DAP। DAP जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसमें जो है NPK की मात्रा होती है। NPK मतलब होता है जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ी मात्रा आप DAP की मिला देंगे और बाकी जो है गोबर की खाद और राइस हस्क और जो पुरानी मिट्टी है उसी में मिलाकर आप इसको, इसकी मिट्टी तैयार कर देंगे। और मिट्टी ऐसी बननी चाहिए पोरस बिल्कुल, इसको मिला दीजिए, पूरा अच्छे से मिला दीजिए। और आप सबसे पहले देखिए, एक गमला लीजिए, उसमें जो है नीचे से कोई भी इसको, ये जो होल होता है इसको बंद कर दीजिए। होल बंद करने से क्या होता है, जो खाद वगैरह इसमें दी जाएगी मिट्टी, वो इसमें नीचे नहीं जाएगी, बहेगी नहीं, और जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो नीचे से निकल जाएगा। इसमें ये आप जो मिट्टी है ये मिला दीजिए थोड़ा। पौधे की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पौधे की अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो पौधे का विकास नहीं होगा आगे को, और पौधा वहीं पर को ग्रो नहीं हो पाएगा और वहीं पर को रुक जाएगी उसकी ग्रोथ। और इसमें देखिए आप, इसमें ये जो मैंने पौधा निकाला था अलमंडा का, इसको आप इसकी जड़ों से ही नीचे को, जड़ें नीचे को दबनी चाहिए, इसको नीचे लगा दीजिए, इस तरीके से इसको रख दीजिए, और जड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जड़ें ऐसी रहनी चाहिए। और इसमें ये जो मिट्टी है ये भर दीजिए, ये देखिए, इसको पूरा मिट्टी से इसकी जड़ों को बिल्कुल दबा दीजिए। अब इसमें देखिए आप क्या करना है, इसमें अब आप इस तरीके से हल्का हल्का, अगर आपकी मिट्टी अगर गीली है तो पानी कम डालिए, जैसे मेरी जो मिट्टी है ये गीली हो रखी थी, इसलिए इसमें मैं पानी बिल्कुल हल्की मात्रा में, बस हल्की मात्रा में पानी डाल दीजिए, और इसको 2-3 दिन छाया वाली जगह में रख देना, जिससे कि पौधा स्ट्रेस में ना आए, और 2-3 दिन बाद इसको पूरे दिन की धूप दिखाएंगे तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए पौधा बहुत घना हो रखा है, क्योंकि मैंने इसकी पिछले साल भी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों एक साथ करी थी। इस बार भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो नई ग्रोथ आ रही है अगर इसकी हम प्रूनिंग नहीं करेंगे, देखिए ये डेड ब्रांच है बिल्कुल, ये जितनी ऊपर की हैं सब डेड ब्रांच हैं, इनको प्रूनिंग करना ज़रूरी है, जिससे कि जो नई ग्रोथ आ रही है उनको अच्छा पोषण मिले और वो अच्छी विकास में आए और आगे अच्छी फ्लावरिंग दें। इसलिए डेड जो जितनी ब्रांच डेड ब्रांच हैं उनको आप कट कर दीजिए, इस तरीके से आप जितनी डेड ब्रांच हैं देखिए इनको अच्छे से कट कर दीजिए। और जो ये देखिए यहाँ पर को निकल ली है नई नई ब्रांच, इसमें ऊपर से आप इसको यहाँ से
कट कर दिए जिससे कि पोषण ऊपर ना जाए और नई ब्रांच में मिले। ये देखिए इस तरीके से आप भी इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। इस समय जो है इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो इसमें जो है अच्छी ग्रोथ हो रही है, जो वो जो है ये ब्रांच में बदलेंगी, जितनी नई नई ग्रोथ हो रही है उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। इसकी हार्ड प्रूनिंग अभी कर सकते हैं। अगर आपका पौधा छोटा है तो उसमें सॉफ्ट प्रूनिंग करिए और जो है पौधे में खाद जो देंगे उससे इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। अब इसमें क्या करना है, देखिए जो कटिंग कर रही जहाँ जहाँ पर को कट है वहाँ पर को फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि कभी पानी पड़ गया या आजकल कहीं पर को जो है ओस गिरती है उसका पानी जो है इसके जो ये जहाँ से कट कर रखा वहाँ अगर पानी पड़ गया तो फंगस आने का डर रहता है, वो आपकी जो ब्रांच है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आप इसमें क्या करिए, देखिए ये जो ये एलोवेरा है ये फंगस को रोकेगा, इसके जहाँ जहाँ पर कट है वहाँ कोई एलोवेरा लीजिए। आपके पास पौधा एलोवेरा का लगाई होगा, सभी के घर में लगाया रहता है। अगर नहीं है तो आप नर्सरी से लाकर ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये एलोवेरा मैंने काट रखा, इसके जहाँ जहाँ को कट कर रखा वहाँ एलोवेरा लगा दीजिए। एलोवेरा जो है एंटी फंगल है, इसमें फंगस नहीं लगेगा इससे पौधे में और पौधा अच्छा ग्रो करेगा। इस तरीके से आप अपने जो है प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करिए, और कोई अगर आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।